नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आज के इस वीडियो में सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। दोस्तों, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं थोड़ी सी कि मेरे गले की आवाज़ में थोड़ी खराश है, क्योंकि 2-3 दिनों से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आज भी पूरी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम बेहतर है, इसलिए आज आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरे ऊपर कोई केस हो सकता है। वो डायरेक्ट केस की बात कर रहे हैं। केस के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर रखा है, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का, तो वैसी कंडीशन में आपके ऊपर केस कब हो सकता है, कौन सा केस होता है, ये सारी बातें मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बता रखी हैं। लेकिन कुछ लोगों का मुझसे ये भी कहना था कि मैंने लोन काफ़ी पहले लिया था, अभी क्या होगा। या तो एक्चुअली बेसिकली मैं इस वीडियो में आज आपको लिमिटेशन एक्ट की बात करने वाला हूँ। लिमिटेशन एक्ट क्या है? 1963 में कानून पारित हुआ था जिसका नाम दिया गया था लिमिटेशन एक्ट, और इसके तहत 1963 में एक कानून पारित हुआ था जिसका नाम था लिमिटेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर आपके ऊपर आपका बैंक, आपका लेंडर 3 साल तक कोई केस नहीं करता है, तो उसके बाद 3 साल तक से मेरा मतलब है आपने जो लास्ट पेमेंट किया था उसके बाद 3 साल तक अगर कोई आपके ऊपर केस नहीं किया जाता है, तो उसके बाद आपके ऊपर केस करने का जो पावर है, जो अधिकार है, वो लेंडर्स के पास नहीं रहता है। 3 साल के बाद वो चाह कर भी केस नहीं कर सकते, इंडिया के किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते। अगर उन्हें केस करना है तो 3 साल तक कर सकते हैं, 3 साल के बाद नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि तब तो 3 साल में केस कर देंगे, कोई जरूरी नहीं है, और यह भी जरूरी कि नहीं है कि नहीं करेंगे, दोनों ही बातें हैं। लेकिन होता क्या है कि उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि केस अगर चला गया कोर्ट में तो 10 साल के लिए गया, 15 साल के लिए गया, 10-15 साल में आप कहाँ और वो कहाँ, कुछ निश्चित है नहीं, फैसला किसके पक्ष में आए, अकेले आप तो है नहीं कि वो एक लॉयर हायर कर लेंगे और बस आपके पीछे लगा देंगे, या उनको करोड़ों लॉयर्स हायर करने पड़ेंगे करोड़ों लोगों के लिए। फिर आप भी हाथ के ऊपर हाथ धर कर तो बैठे नहीं रहोगे, आप भी लॉयर हायर करोगे, और जितना आपसे वो पाते नहीं है उससे ज़्यादा तो वो केस लड़ने में ही लगा देंगे। और अगर आप केस हार भी गए, अगर आपसे उस पूरे केस का जो भी जुर्माना हर्जाना है मांगे और आपके पास है ही नहीं, तो भी उनके हाथ क्या आया, कुछ नहीं। तो भाई वो करते क्या है? ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना, जिनमें गूंस कहता हूँ, गुंडे, मवाली, जो आंख दिखाते हैं, जो धमकाते हैं, उनको आपके पीछे लगाते हैं कि आप उनकी बड़ी बड़ी आंखों से डर जाएंगे, मसल्स होते हैं उनसे डर जाएंगे, उनको आपके पीछे लगाते हैं। प्यार से तो पैसा निकाल कर कोई देता नहीं है, लेकिन क्या पता बॉडी वॉडी देखकर आप डर जाएं। तो उनको आपके पीछे लगाते हैं क्योंकि उनके द्वारा पैसे ज़्यादा तेज़ी से निकलते हैं बजाय केस के। और इस तरीके से अगर वो 3 साल पार कर देते हैं और केस नहीं करते हैं, कि केस में तो पता नहीं 15 साल के बाद निकलेंगे, लेकिन ऐसे तो हम जल्दी निकाल लेंगे, तो बात ऐसी है कि 3 साल के बाद वो आपके ऊपर किसी भी तरीके का केस नहीं कर सकते। और अगर ये इन गुंडों को भेजते हैं आपके पास, मैं इन्हें एम्प्लॉय नहीं कहूँगा, आई वॉन्ट कॉल देम एम्प्लॉय, अगर आप मेंटली फिट हैं, मानसिक तौर पर आप बीमार नहीं हैं, तो आप किसी को अपने मुंह से गाली भी नहीं देंगे। यू विल नॉट अब्यूज एनीबडी। अगर आप मेंटली फिट हैं, स्वस्थ हैं, इफ आर मेंटली हेल्दी,
यू वॉन्ट स्पीक इल ऑफ अदर्स, आप दूसरे की बुराई भी नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं ना, बैठते हैं बुराई करने लग जाते हैं, ये तो ऐसा है वो तो वैसा। हाँ, मैं भी बुराई करता हूँ। रिकवरी एजेंट्स की, इनके प्रैक्टिसेस की, जिस तरीके से पैसे रिकवर करते हैं, या उन बैंक्स की या फिनटेक कंपनीज के जो पैसे उगलवाते हैं, लेकिन ये बुराई नहीं, ये एक तरीके का विरोध है। और विरोध पैसे मांगने का नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं तो दे दीजिए। मैं कभी नहीं कहता आप पैसे मत दीजिए, मेरी इस वीडियो का इंटेंशन आप गलत तरीके से मत लीजिए कि भाई आप पैसे मत दीजिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी आपके विशेषाधिकार हैं आपके, आपको ये गाली नहीं दे सकते, आपको ये धमका नहीं सकते। और ये जो मसल पावर यूज में लेते हैं आपसे पैसे निकलवाने के लिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भी अलाउ नहीं है। और ये रिकवरी वाले आपसे पैसे कुछ इस तरीके से मांगते हैं जैसे इनके बाप के पैसे, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। इनको 30-30, 40-40% तक का कमीशन मिलता है, यानी कि अगर आपसे 1,00,000 रुपये निकलवा लिए तो 40-50,000 रुपये इनके पॉकेट में चल जाते हैं। और इसलिए ये कुत्ते की तरह आकर लड़ते हैं आपसे, सड़क का कुत्ता भी शायद शर्मा जाए। इसलिए कभी भी अगर ये आपके पास आते हैं तो आपको इनको दूर से ही भगा देना है, फेस टू फेस नहीं करना, ज्यादा इनको अहमियत नहीं देनी, इनसे बात भी नहीं करनी है, इनसे बात ही नहीं करनी है। आपने पैसा इनसे नहीं लिया है, आपने पैसा बैंक से लिया है, लेकिन बैंक अपने प्रॉक्सी को भेज रहे आपके पास। आप एक काम करो, आप भी अपने किसी दोस्त यार को भेज दो इनसे बात करने के लिए। वो बोले भाई हम तो उसी से बात करेंगे जिसने लोन लिया है, तो आप भी बोलते हम भी उसी से बात करेंगे जिसने लोन दिया है। उसने तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव भेजा तो मैंने भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, बात उससे कर लो। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपको इनसे फेस टू फेस नहीं होना है। अगर आपके दरवाजे पर आ गए हैं, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आपके दरवाजे पर अगर ये लोग आ गए हैं, तो भी फ़ोन पर ही बात कीजिए, घर के भीतर एंट्री देने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा इनको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, इतने लायक नहीं है लोग, इनको दूर से भगा देना है। ज़्यादा परेशान करें कॉल ब्लॉक, इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, कॉल ब्लॉक कर देनी है इनकी, वीडियो देख लीजिए, ठीक है। होम विजिट आपको बोल कर ही आ सकते हैं, गेटेड सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर एक गार्ड होता है, तो गार्ड रूम के बाहर ही रखिए उन्हें, गार्ड को बोल दीजिए भीतर एंट्री अलाउ नहीं है जब तक कि आपके परमिशन नहीं हो। और आप से मिलकर क्या करेंगे फेस टू फेस, टेल मी वन थिंग, आप बात तो कर ही रहे हैं ना, आपने बोल दिया आज भाई पैसा नहीं है मेरे पास, तो गार्ड रूम से बाहर, उससे आगे एंट्री नहीं, मिलकर क्या करेंगे, क्या करेंगे मिलकर, फ़ोन पर बोल तो दिया, फेस टू फेस करके क्या करेंगे। और वैसे भी आप परमिशन नहीं देते, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर क्या उखाड़ोगे। तो सीधी सी बात है कि इनको ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बैंक वालों को बोल दीजिए कि भाई ये मुझे परेशान कर रहे हैं, और अगर दोबारा से ये हमारे घर पर आकर इस तरीके से परेशान करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, आप बोल दीजिए कि मेरे पास इनका एक वीडियो है, केस कर दूंगा आपके ऊपर, और केस आप ही जीतेंगे। अगर आपका अपमान करते हैं तो वीडियो बना लीजिए, डिफेमेशन सूट लॉसूट होता है एक, आप जहां पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। 1,00,000 के लिए अगर आपको परेशान कर रहे हैं ना, 20,00,000 का मानहानि का दावा कीजिए। और अगर आपके पास प्रूफ है तो चिंता मत कीजिए, बहुत अधिक पॉसिबिलिटी कि आप ही जीतेंगे। और मैं तो कहता हूँ सबको कर दो भाई, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, अगर आपको कोई अपमान करता है तो आप बिल्कुल मानहानि का दावा कर सकते हैं, कानून कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दे रखा है। अरे भाई अगर आप गलती कर रहे हो, हाँ आप बिल्कुल गलती कर रहे हो, आपने पैसे लिए, आप नहीं दे रहे, गलती कर रहे हो, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ पैसे इनको दे दीजिए, आपने लिए तो आपको देना चाहिए। लेकिन नहीं अगर, और अगर आप कोई परेशान करते हैं तो कानून के दायरे में ही कर सकते हैं। अरे भाई जाकर केस करो ना केस, लेकिन लीगल वे में ही नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता कुछ कर नहीं पाएंगे।
अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रख रखी है तो वहाँ सावधान हो जाइए, आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है, लीगल एडवाइस लीजिए उसके लिए। ये जो बात मैं अभी बता रहा हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की बता रहा हूँ, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी है। चेक वगैरह दे रखा है अगर, चेक बाउंस का केस हो सकता है। तो मोटे तौर पे लिमिटेशन एक्ट के तहत यही होता है कि अगर तीन साल तक अगर इन लोगों ने आपके ऊपर कोई केस नहीं किया है तो अब ये कभी आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। तो क्या हमसे पैसा मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं, चेस कर सकते हैं, रिकवरी वालों को भेज सकते हैं, होम विजिट करवा सकते हैं, ऑफिस विजिट करवा सकते हैं, पब्लिकली ह्यूमिलेट अलाउ नहीं वो भी करवा सकते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस में जो जो नहीं वो सब कुछ करवा सकते हैं। अरे भाई, हमारा एक कानून बन गया कि आप किसी को धमका नहीं सकते, तो क्या लोग धमकाते नहीं है? धमकाते, इसीलिए तो अपराध कहलाता है और इसीलिए तो लोग जेलों में चले जाते हैं, क्योंकि कानून के दायरे में जो काम होते हैं वो ये करना ही नहीं चाहते। ये लोग लॉ अबाइडिंग नहीं होते हैं, लेकिन लॉ आपके साथ है अगर आप सही हैं तो। तो 3 साल के बाद ये आपको चेस बिल्कुल कर सकते हैं पैसे के लिए, लेकिन आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू गो टू लॉ इफ दे हैव नॉट फाइल्ड एनी लॉ सूट अगेंस्ट यू विद इन द फर्स्ट 3 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। अगर कोई सवाल है आपके पास, कोई क्वेश्चन है, देन इन द कॉमेंट बॉक्स यू कैन राइट योर क्वेश्चन, लीव योर कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। अगर मेरे किसी वीडियो में आपके किसी ऐसे सवाल का जवाब नहीं मिला है, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी विषय पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मतलब पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, लोन्स, इन सब के विषय पर, तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी ऑन फोन। आप मुझसे फ़ोन पर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स में मैं मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, ये एक पेड सर्विस है। अगर वैसे तो आप पहले मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, अगर आप फिर भी कनेक्ट होना चाहते हैं, देन उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक मैसेज करना है, आपको आगे के नेक्स्ट स्टेप्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बात करनी है तो ही आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। और जो भी आगे के नेक्स्ट स्टेप्स है आपको वो फॉलो करने हैं, और उसके बाद विद इन अ फ्यू आवर्स, ज़्यादातर कॉल्स 30 मिनट्स के भीतर ही चली जाती हैं, विद इन अ फ्यू आवर्स आपको एक कॉल बैक आ जाएगी आपके उसी नंबर पे जिस पर से आपने व्हाट्सएप किया है। मैं आपको कॉल करूंगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल मत कीजिए, कोई कॉल अटेंड नहीं की जाएगी, और ने उस व्हाट्सएप नंबर पर फालतू के सवाल पूछे, क्योंकि वो हेल्पलाइन नंबर नहीं है। मैं उस व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करता। अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपके पास कॉल आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। और अगर आप पहले से मेरे इस चैनल पर हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, बाकी और भी लोगों तक ये आवाज़ पहुँचेगी, और जो लोग बिल्कुल मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, कुछ ऐसे कदम उठाने की सोच रहे हैं, कम से कम उन्हें उनके अधिकार मालूम होंगे, तो कम से कम उन्हें एक शक्ति मिलेगी, आगे का गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि लोन ट्रैप में इन लैंडर्स ने 1, 2, 3, 4, 150, 10,000, 20,000 को नहीं, बल्कि लगभग करोड़ों लोगों को ट्रैप किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि एक डेट फ्री कम्युनिटी तैयार हो। देयर इज ए डार्क साइड ऑफ दिस लोन इंडस्ट्री। लोन इंडस्ट्री का एक काला साइड भी होता है, डार्क साइड है इसका पूरा, जो ये बताते कभी आपको नहीं है, लोन लेने के बाद ही पता चलता है। और इसलिए से नो टू
क्रेडिट कार्ड्स से नो टू लोन्स, लोन्स नहीं लेना है, एजुकेशन लोन नहीं लेना है, होम लोन भी नहीं लेना है, लोन लेना ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ये लोन अच्छा है वो लोन ख़राब, मैं कहता लोन ही ख़राब है, ये सांप अच्छा और वो सांप ख़राब है, नहीं, ये सांप अच्छा है और ये सांप ख़राब है, नहीं, सांप दोनों ही हैं, दोनों ही ख़राब हैं, ये जहर अच्छा है ये जहर ख़राब है, भाई जहर है दोनों, ये गुंडा अच्छा है और ये गुंडा ख़राब है, दोनों ही गुंडे हैं। इसलिए ऐसे फालतू की बातों में नहीं आइए। एजुकेशन लोन अच्छा बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो भाई पढ़ाई के लिए भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कम पैसा है तो छोटे स्कूल में पढ़ा दीजिए, ज़रूरी नहीं कि महंगे स्कूलों में पढ़ने से, महंगे कॉलेज में पढ़ने से और फॉरेन डिग्री लेने से ही। मैं किसी एमएनसी में जॉब किया करता था, मेरे अगल बगल में ना यूएस रिटर्न, यूके रिटर्न, दुबई रिटर्न और बहुत सारे रिटर्न आकर बैठकर मेरे बगल में जॉब करते थे। मैंने इंडिया से पढ़ाई कर रखी है, जो भी कर रखी है, खैर अपनी अपनी सोच है, आप चाहे तो ले सकते हैं, आपकी इच्छा की बात है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होंगे और वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब चलेगा तब पता चलेगा। और मान लीजिए कि अगर 100 लोगों ने भेज भी दिया, उसमें से 2 की तकदीर बदल भी गई है, तो भी 98 लोग तो फंसेंगे ही फंसेंगे, 10 नहीं भी फंसे तो भी 90 फंसेंगे, 20% नहीं भी फंसे तो भी 80% तो फंसेंगे ही फंसेंगे। गो विद मेजोरिटी, मेजोरिटी के साथ ही सरकार बनती है, अल्पमत की कभी सरकार टिकती नहीं है। इसलिए से नो टू लोन्स, से नो टू होम लोन्स, नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।